Hello guys, welcome back in Veer Zone. This is Mark and I'm Veer. Today we are going to react on Asli Mark 3 by Shaleel Ahmed, right? And Raftaar. Raftaar aur Ashish bhai inke saath aaye hain. Maine actually main Ashish ke channel par Ashish ke Facebook page par ek post dekhi thi jisme unhone bola tha to mere ko laga yaar kya kaun si hai. Maine wo puri post dekhi thi actual mein jo unhone pyara bahut bola about the rape and all. So mujhe bada ajeeb sa nahi bada acha sa laga kyunki ajeeb to aisa lagta ki wo bahut theek cheeze boli, valid cheeze boli. To let's check it out. Mere ko laga fir puri video definitely dekhni chahiye. Baaki fir ek do bhaiyo ka comments aa gaye ki bhai sahab is pe react karo. Main to khush, main chalo sone pe ho gaya swaga. So let's check it out. So asli mar kya hai aur khud ki veer ki personal opinions pe hum ye video dekhne chalte hain. Aapne nahi dekhi na? I don't have any idea. Haan, to asli mard kya hota hai? Like kaafi kuch bataya ki video bahut achhi hai aur dekhni chahiye. So let's start the video and dekhte hain isme hai kya. Go. Here we go. Thank you, Raftaar. For joining this fight. Yeah, fight. Asli mar chapter 2 mein aapne dekha कि कलयुग के कामदेव को पोन देख देख के सिर्फ ईडी उर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उर्फ स्तंभन दोष ही नहीं पीई उर्फ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन उर्फ शीघ्र पतन भी शुरू हो गया था। 6 घंटे का कंट्रोल जब 1 सेकंड पर उतर आया तो अपना पोता फिर से उड़ाने से आसान उसने बिल्डिंग की टेरिस से कूद जाना बेहतर समझा। करने तो वाला नहीं है तू, कूदना आसान है और उड़ना मुश्किल, और उड़ाना और भी मुश्किल। कौन हो तुम? ओरिजिनल कामदेव! क्या मुझे वापस आप सचमुच का असली मत बना सकते हैं? न्यू चैप्टर, न्यू लोकेशन, न्यू लुक्स। ओके प्रभु। ये क्या है? ये क्या है प्रभु? असली मर्दान की का कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही तू ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा तेरा तो तब फिर से उड़ने लगेगा। उड़ उड़ पतंग 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 उड़ उड़ टैं टक टैं टक टैं असली मर्दानगी का कॉन्ट्रैक्ट 150 दिन नो पॉन चैलेंज हैशटैग पॉन की माँ का ये क्या है? 150 दिन पॉन मत देखो और तुम नामर से असली मत बन जाओ। 150 दिन क्या प्रभु? 1 घंटा कंट्रोल नहीं होता 150 दिन। ए प्रभु इज गॉन मेंटल, बोलता है 150 दिन। अरे 1 घंटा कंट्रोल नहीं होता है, आपको पता नहीं है कि आजकल के बच्चों को इतना स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, इसलिए हम लोग पॉन देखते हैं। डॉक्टर ने भी यही बोला था, दवाई भी दी है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। सारी दवाइयाँ एक ही बार में खाए हुए। The doctor was wrong. तू गाना गया था ना चैप्टर 2 में? कड़ गया चूहिया मेरा। उसका पहला लाइन क्या था? छठवी के दिन थे, मनहूस बैठा था, लॉलीपॉप जूस। सीनियर बोला बच्चे देख नन्नो यू करते हैं यूज। वाह, तो वो 11 साल का बच्चा जब लॉलीपॉप चूस रहा था वो क्या स्ट्रेस था, डिप्रेस था? नहीं नहीं, मजे में था एकदम, चिल। फिर क्यों देखना स्टार्ट कर दिया पॉन? और स्ट्रेस कब स्टार्ट हुआ? जब पता चला कि रियल लाइफ पॉन की दुनिया से पूरी अलग है। तो फिर स्ट्रेस किसकी वजह से हुआ भालक? रियल लाइफ के लोगों की वजह। अरे पॉन की वजह से मूर्ख। उसका बाप उसको सेक्स एजुकेशन देना चाह रहा था पर वो नॉर्थ अमेरिका देख के सब सीख गया था। हैशटैग गुप्त यार, क्या मस्त वीडियो था प्रभु, लाल 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 वीडियो था। तो फिर एक बात बता, 80,000 GB देखने के बाद भी तू अभी तक भाई की तरह वर्जिन क्यों है? बट अगर पॉन नहीं देखेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि डालना किधर? अरे कुत्तों को कैसे पता चलता है, तेरे परदादा को कैसे पता चला? हाँ ये यहाँ से देखा था मैंने ना शायद। क्यों बार बार बिजली कड़का रहे हो?
क्या बिजली का बिल आपका बाप भरेगा? लॉल 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 क्या हुआ, क्यों गला भर रहे, क्यों है इधर? ये 50 मिलियन का जोन है। आशीष, तू मेरे को चूहिया क्यों बनाया? क्यों बोला नोट दिया मेरे कान की सेक्स सीखने को? वो जोक था। तुम लोगों को जोक नहीं समझ आता है? कम अगेन। हर वीडियो में से कुछ भी कंक्लूजन क्या निकाल दो तुम लोग? वो वीडियो में एक बेचारा बाप है, अपने बच्चे को सेक्स एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा है, एंड एज यूजुअल वो बच्चे को लग रहा है वो उस्ताद है, जैसे कि हर बच्चा सोचता है। मैंने कभी बोला कि पॉर्न देखने से सेक्स सीखने को मिलता है? क्या? अबे पॉर्न इज नॉट सेक्स एजुकेशन, पॉर्न इज रेप एजुकेशन। मुझे पता है 90% रेपिस्ट को जब क्राइम के बाद इंटेरोगेट किया जाता है ये पता चलता है कि वो किसी वायलेंट या तो एक्सट्रीम पॉर्न से ही इंस्पायर हुए। पॉर्न में तो यही दिखाया जाता है ना, जो पॉर्न की लड़की है वो तो हमेशा ठरकी रहती है, शी इज ऑलवेज रेडी, दिन हो रात हो शी इज रेडी टू, प्लम्बर हो, दूध वाला हो, कुत्ता हो, शी इज रेडी टू। एक क्या 10 लड़के आ जाए वो तो खुशी खुशी गैंग बैंग करने को तैयार हो जाती है। यही गैंग बैंग रियल लाइफ में गैंग रेप बन जाता है। राइट, थैंक्स टू पॉर्न ओवरडोज हर दूसरा बच्चा यही सोच के साथ बड़ा होता है कि हर लड़की यहाँ पे देने को तैयार है। Every girl is a fucking object. Every batch is always ready for some khapa khap. और जब real life में ये situation होती है, जब ये rape करने जाते हैं हरामी और वो resist करती है, तब इनका ego hurt हो जाता है। ये साले frustration में आ जाते हैं कि भाई ये enjoy क्यों नहीं कर रही? हाँ, इसको तो साली को मैं पकड़ के मारूंगा, मारूंगा क्या, पीटूंगा, जलाऊंगा, rod डाल दूंगा। इसमें ही पका problem है, इसको मजा आना चाहिए। Unbelievable piece of crap. क्या unbelievable? अबे तूने जो chapter 1 में मियां के साथ end में किया है ना, वो भी almost rape ही था। जिनको आदत लग जाती है ना, इनको नॉर्मल पॉर्न देना अभी मजा नहीं आता, इनको चाहिए होता है कुछ डिफरेंट, कुछ क्रिएटिव, यू नो लाइक वो टर्म्स होते हैं फोर्स्ड, एक्सट्रीम, वायलेंट, और ये रेगुलर पॉर्न स्टार्स कर नहीं सकते, तो इनकी ये डिमांड पूरी करने के लिए होती है सेक्स ट्रैफिकिंग। मतलब यंग लड़कियों को किडनैप किया जाता है, इन्हें जबरदस्ती ड्रग्स दिए जाते हैं, इनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनसे ही सीन्स कराए जाते हैं। तो जो ये मोस्ट ऑफ द सीन देखता है ना, बॉन्डेज और स्लेवरी के, कई बार ये रियल होते हैं। इनको इतने ड्रग्स दिए जाते हैं, इनको रियलाइज भी नहीं होता इनके साथ क्या हो रहा है। तेरी एनल फैंटेसी है ना, अबे इनके एनल वीडियोस में पता है क्या होता है, इनकी में कोकेन डाला जाता है ताकि सुन हो जाए, इनको दर्द महसूस भी ना हो। मियां खलीफा फेवरेट है ना तेरी? हाँ, हर वीडियो देखता होगा उसका। लेकिन उसका रीसेंट इंटरव्यू देखा जिसमें उसने पूरे पॉर्न इंडस्ट्री की पोल खोली? अबे कितने सारे ऐसे एक्स पॉर्न स्टार्स हैं जो अपनी रियल लाइफ स्टोरीज लेके बाहर आए, इनको चाबुक से इतना मारा गया कि इनके थाइस पे परमानेंट मार्क्स है, पता नहीं ऐसी वैसी चीजें किधर किधर घुसाई है कि उनको इंटरनल ऑर्गन्स में तक डैमेज हो गए। अबे किसी किसी का तो जबड़ा तक टूट चुका है। भाई जिन लड़कियों के साथ जाती होती है वो कंप्लेन नहीं करती क्या किसी को? हर पॉर्न शूट के बाद होता है एग्जिट इंटरव्यू जिसमें इन एक्टर्स को बोलना पड़ता है कि इनके साथ जो भी हुआ है वो इनकी मर्जी के साथ हुआ है, इनके कंसेंट के साथ हुआ है, और तो और इन्हें मजा भी आया, और अगर ये ऐसा नहीं बोलेंगे ना तो इनको पैसे नहीं दिए जाते। सो बेसिकली तुम लोग जो ये पॉर्न के सीन्स देखते हो ना, वो देख के तुम्हें आइडिया भी नहीं पड़ेगा कि वो कंसेंशुअल है या एक तरीके का रेप। Very deep party. Give me the असली मर्दानगी का contract. प्रभु, he's ready. मैं 150 दिन पॉर्न नहीं देखूंगा। मैं 150 दिन तक पॉर्न नहीं देखूंगा। मर जाऊंगा पर नहीं देखूंगा। ख्याल भी आए तो मेरे पिछवाड़े में सेक्स टॉय। गुड बॉलर। अब रोज इमेजिनेशन करके हिलाना पड़ेगा प्रभु। इट्स गोना बी सो डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू। किसने बोला मास्टरबेशन अलाउड है बालक? क्या कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पूरा पढ़ के ही साइन करो। #hashtag Why? No, no. Why? नल्ला है कि की चा
challenge, the lies bucket challenge, the love o hijdo wale TikTok makeup challenge, random Bollywood film challenge, football bottle flip challenge. It's time the boys of my days took up a real challenge. Dance on, dance no pause. Ye challenge karke dikha, na mandi chhoda piche, asli mat banke dikha. Shaitan ab baar andar ka, give ya to ta sab cooling. Ungliyon mein kujli ho to, just put your hands up and sing. Kaun ki maa ka, kaun ki maa ka, saaki na kare. Kaun ki maa ka, kaun ka bhool. Addiction chudwane ka hai bas ek hi solution. Torture ko sehte ja hai nahi koi dusra option. Regular exercise, morning and meditation. In a healthy diet, focus on hobby passion. Karo ki girls exercise, you will not move to visarjan. Dheere dheere bad ho jayega, please watch your ejaculation. Par itni aasani se, nahi lautega erection. There's still a long way to go, so put your hands up and keep singing. Kaun ki maa ka, kaun ki maa ka, hilane ke bhi maa ka. तुझे लगा ये सीरीज कौन की रक्त पर है, छोटे इसका उद्देश्य से कहीं ज्यादा ऊपर है। भूत की राजनीति से तुम बाथरूम में बाहर आए, आजा तुझे बता दूं इसे तेरा क्या क्या चाहता है। प्रभु प्रभु थोड़ा बीट छूट रहा है, थोड़ा फास्ट रैप करना पड़ेगा। हाँ वो थोड़ा सिंगर हूँ ना, रैपर नहीं हूँ, पर बहुत कुछ बोलना था तो आई थॉट कि फटाफट रैप करके बोल दूँ। प्रभु खुद को रफ्तार समझते हैं। अरे रफ्तार ब्रो, एक दो तीन चार। तुझे लगा ये वीडियो कौन की लग पर है, असल इसका मकसद उससे कई ज्यादा ऊपर। बात तुम में जिसे तुम रूप की तरह बहाए, इसमें तू क्या गवाए, जरा सुन मेरे भाई। सी मैं तीन ये जोश तेरा, खाली पीली जोश को बहाना है दोष तेरा। तू है थानोस इन्फिनिटी स्टोन, सच मुझे गया ये तो सब कुछ कौन। खून की 80 बूंद से एक बूंद बने 30 किलो खाने से 15 ग्राम खून चमे। ज्यादा की चबानी करने से आती सूजने, फिर भी पास नहीं आते सारी चूजने। सी मैं जमेगा ईंधन बचेगा, इंजन चलेगा ही मैन बनेगा। जब गन चलेगी ह्यूमन बनेगा, वरना कैसे आके जाके प्रजनन करेगा। स्टीव जॉब्स और टाइसन ने बचाए, डा विंची ने और न्यूटन ने बचाए, विवेकानंदा ने सबको बताया कैसे अंदरूनी शक्ति का पारा बढ़ाया। तो एक बार तू भी ब्रेक मार, थोड़ी बॉडी की भी कर ले तू देखभाल। वीर्य बचा के तू सब गुण ले, तुझे क्या करना है तू अब चुन ले। नो पॉन नो हिलाना, नो पॉन हफ्ते में एक दो बार हिलाना। सर्कल्स घटने लगे, मसल भी बढ़ने लगा, वाइट पागल होने लगे, पीसफुली सोने लगा। फोकस इन मेमोरी में इम्प्रूवमेंट होने लगा, डिप्रेशन वीकनेस एंड स्ट्रेस एक एक कर खोने लगा। और फिर शॉक लग गया, गर्ल्स का सर मुड़ने लगा, तोता भी उड़ने लगा, ईश्वर से जुड़ने लगा। फादर टू बॉडी आइडियाज मन पे संजोने लगा, यूट्यूब पे चैनल खोल के टट्टी को धोने। Pawn ki maa ka, bun gaya dude yeah, ekdam cool dude yeah. I learned how to preserve my juice yeah yeah, na mardi dur yeah yeah. Sab dur ho gaya. Pawn ki maa ka yeah. Kehte hain aane wali super hai इंडिया मेरा, उस युग की इतनी संख्या है यहाँ पर, जब मार रहे हैं सब मोटियाँ, घंटा बनेंगे सुपर फाइव। सो लेट्स स्टिक टुगेदर यार ये पॉन इंडस्ट्री, स्क्रू यू पॉन इंडस्ट्री, स्क्रू यू। नाक में दम guys, put your life on track, right back on track. No more EDP, no more PE, and definitely no more sex drive.
चाहता कि गवर्नमेंट पॉन बैन करे, मैं ये चाहता हूँ कि हम ही पॉन बंद करें। असली मर्द तो 150 दिन दो पॉन चैलेंज करके दिखा। हेलो गाइस, सो असली मर्द चैप्टर 1, 2, 3 को लाइक करो, उसे शेयर करो सो दैट ये जो मैसेज है वो सब तक पहुंचे। राइट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब टू माय वेरी टैलेंटेड फ्रेंड सलील जामदार। और सबसे जरूरी बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि सलील जामदार ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस बनाता रहे तो salilzamdar.com पर जाइए और उसकी वीडियोस के लिए मंथली सपोर्ट कीजिए या किसी एक वीडियो के लिए वन टाइम सपोर्ट। गूगल पे और पेटीएम का नंबर इसमें दिया हुआ है और साथ ही साथ पेपैल का लिंक भी है। और आप जानना चाहते हैं कि क्यों आपको सलील जामदार जैसे आर्टिस्ट को सपोर्ट करना है तो सलील का एंड गेम वीडियो देखिए। तो दोस्तों यार सॉरी मैंने सलील अहमद बोले, सलील जामदार सॉरी, व्हाटएवर इट इज, बट व्हाटएवर हाउ कैन यू से व्हाटएवर इट्स एन अ क्रिएटर यार, हाउ कैन यू, अगर तुम्हारा नाम कुछ बनवीर से कुछ और बोल दे तो यू शुड बी अपसेट फॉर दिस ना। मैं जानती हूँ कि इंसान अपने नाम इंडिविजुअलिटी और एक पर्सनालिटी बहुत अपने नाम से जज होती है, बट वो जो कर रहा है आई थिंक दिस इज वेरी नाइस और वेरी अमेजिंग, आई लव दैट, मुझे अच्छी लगी। असली मर्द एक्चुअली नो पॉन चैलेंज गाइस, हम मुझे लगता है कि 150 डेज का चैलेंज जो ये बोला गया आई थिंक सबको लेना चाहिए। हाँ, हर एक को लेना चाहिए एज वेल एज नॉट फॉर द बॉयज आल्सो गर्ल्स आई थिंक सो। आज के एरा में इक्वल टू गर्ल्स के साथ बॉयज के साथ गर्ल्स भी ही इस चीज की एडिक्टेड होती जा रही है। और मेरे हिसाब से एडिक्शन किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का, वो खाने का हो या फिर किसी भी तरीके का हो। तो लाइफ में कोई भी चीज ओवर नहीं अच्छी लगती है, अगर आप ये गेम में हर चीज हो तो वो बेटर है, ओवर कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, चाहे कुछ भी चीज हो, कुछ भी आपकी लाइफ में छोटी से छोटी स्टडी भी अगर आप ओवर करोगे तो वो भी आपको प्रेशर में चले जाते हो, कहीं ना कहीं आपको स्टडी भी ओवर नहीं होती है। हर चीज का एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है। मेरे को मेरे वर्ड्स तुम क्यों चुरा रही हो, तुम्हें नहीं आता बोलना तो वैसे ही बोल दो, मैं तुम्हें इसलिए पहले तो बोलो, चलो बोल के दिखाओ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट आई टोटली एग्री व्हाट आर यू सेइंग एंड जो भी आप बोल रहे हो वो बिल्कुल एकदम हर लेवल पे जाके ठीक है कि ओवर लाइफ में कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। और यार ठीक है, कहीं ना हर चीज आप अगर आप ओवर करोगे तो आप उससे ऑब्सेस हो जाओगे, और दूसरा आपकी हो सकता है आपकी जैसे वीडियो में दिखाया आपकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट उस चीज का पड़ सकता है, पड़ता है एक्चुअली पड़ता है। अभी बॉडी का केयर करो, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ जिम विम ज्वाइन करूँ, क्योंकि काफी दिन हो गए यहाँ पर ऐसे बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। सो यार हमें अब #, यस जिम करना पड़ेगा, जो नो जिम फ्रीक नहीं होना चाहिए, फिर फ्रीक नहीं होना चाहिए एक हद तक जो आपकी आप अपने आप को मेंटेन करो, दैट्स इट। ये वो कहते हैं वो मस्कुलर ना हो तो नॉर्मल तो हो जाओ यार, मस्कुलर के लिए अलग से कुछ चीजें आपको करना पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ ना, ओके मेरी बातें बीच बीच में 25 बार काट चुकी है यार, बोलने दे यार मुझे, खुद बोल ले, मैं तेरे को पूरा टाइम देता हूं, चल बोल ले यार। नो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बिकॉज़ मेरे को जो वीडियो के बारे में बोलना था मैंने बोल दिया, वीडियो बहुत अच्छी थी और बहुत बढ़िया थी। इट्स अ काइंड ऑफ लाइक मैसेज टू एवरी पर्सन whether it is a girl or boy, ये man के लिए असली मर्द बताया, बट देखा जाए तो आज के डेट में ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। और मेरे हिसाब से कॉपी पेस्ट भाई साहब, कॉपी पेस्ट मार रही है सच में, इसे कहते हैं कि अपना रिव्यूज ना हो। इट्स नॉट लाइक दैट, पहली बार मैं तुमसे किसी चीज में एग्री कर रही हूं और उसको भी तुम मुझ पे बहस कर रही हो। तो कॉपी पेस्ट क्यों मार रही हो, लेकिन वर्ड कॉपी पेस्ट नहीं मार रही है, कॉपी पेस्ट अपने अपने व्यू रखो, बता रही हूं कि असली मर्द जो है वो तुम बता रही हो रेट में असली क्या। अच्छा कोई बात नहीं, बोलते रहो, लड़कियों के लिए भी सेम चीज होनी चाहिए, मैंने बोल दिया ऑलरेडी, तो कुछ नया बोलो। Okay, fine. I don't have any words to say anything about that video. I just want to say that that video is very amazing. And say the video is good. इसको जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, जितने लोगों को दिखा सकते हो दिखाओ, और आई थिंक ये सबने देखनी चाहिए, और इसको अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत, अगर मैं कह रही हूँ एकदम नहीं हो सकता, पर थोड़ा बहुत अप्लाई कर लेना चाहिए। थोड़ा बहुत क्या, पूरा अप्लाई करो, 150 डेज नॉट हो पाता है कोई भी चीज, कोई भी चीज एकदम नहीं हो पाती है, नहीं होता है कुछ चीजों का एकदम। जैसे अगर मेरा वेट थोड़ा सा ज्यादा है और मैं कल से ये बोलूँ की मैं खाना ही बंद कर देती हूँ तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे मेरी वीकनेस बढ़ेगी और मेरे अंदर मेरी एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं खाओगी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्यों, बहुत सारा फैट है, बॉडी अपने आप बर्न कर अपने अपना एनर्जी लेते रहे, चीज की हैबिट आपको इतनी लाइफ में है कि आप उससे बिल्कुल ही आपकी डे टू डे लाइफ में है तो आप एकदम नहीं छोड़ सकते, थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ You can do that. आप अपने आप में एक चैलेंज लो और उस चीज को कवर अप करो। So दोस्तों यार अच्छी वीडियो थी, अमेजिंग वीडियो थी, इट शुड बी शेयर्ड विद ईच एंड एवरी पर्सन, सो डू दिस। सो अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करो एंड डू कमेंट आल्सो इंक्लूडिंग योर सजेशन। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, ये इसका थर्ड पार्ट था, इफ यू गाइज वॉन्ट कि हम फर्स्ट और सेकंड पे रिएक्ट करें तो डेफिनेटली हम वो करेंगे, आप हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। So till then, bye-bye, guys. I'm signing out. Bye.